हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं उड़ो का क्वेश्चन नंबर 4.28। ये क्वेश्चन एससी वर्मा जी की बुक में भी है और यहाँ भी है, समझे? इसका मतलब इसकी वैल्यू तुम समझ रहे हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस के लिए बढ़िया है और आंसर इसका बहुत ही पिद्दी वर्ग का, ये भी बता दे रहे हैं। आंसर बहुत छोटा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अ यूनिफॉर्म रॉड इज प्लेस्ड ऑन टू स्पिनिंग व्हील एज शोन इन फिगर। The axes of the wheel are separated by a distance L. The coefficient of friction between the rods is rod and wheel is K. Demonstrate that in this case the rod perform harmonic oscillation. बताओ क्यों हार्मोनिक ऑसिलेशन हुआ? Find the period of these oscillation. पीरियड क्या होगा ऑसिलेशन का? ये जानते हो क्यों कह रहे हैं कि बताओ ऑसिलेशन होगा कि नहीं होगा? जानते हो? क्योंकि जब फ्रिक्शन उप्शन की बात आती है तो हमें लगता है एसएचएम नहीं होगा। क्यों? फ्रिक्शन है तो कुछ एनर्जी, एनर्जी का लॉस है, ऑसिलेट नहीं कर सकता है, डैम्प्ड कर जाए, खत्म हो जाए, तो एनर्जी लॉस होगी और खत्म हो जाएगा, इसलिए लग रहा है ऑसिलेशन नहीं होगा। लेकिन जब इसको बहुत केयरफुली देखोगे तो पता चलेगा कि यह ऑसिलेशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करेगा। अच्छा, अगर मान लो जिनके दिमाग में क्लियर है कि फ्रिक्शन है, चलो तब भी ऑसिलेशन कर सकता है, उसके बाद इनको लगता है ऑसिलेशन करेगा, उसके बाद भी लगता है ऑसिलेशन क्यों करेगा? ठीक है, तो पहले आइए मैं उस क्यों करेगा की बात करते हैं। मान जा लो होगा ही इसका सेंट्रल मास बीचों बीच मिड में। यहां पर नॉर्मल लगेगा N1, तो यहां पर लगेगा नॉर्मल N2। इस अवस्था में नॉर्मल क्या होगा? बराबर बीचों बीच में है। तो अगर इस रॉड को मैं आगे खिसका दूं, एक्स लेंथ आगे खिसका दूं, जैसे ही एक्स लेंथ आगे खिसकाऊंगा तो मान लो अभी मैंने आगे खिसका दिया है तो इसका सेंट्रल मास यहां चला गया, इसे चला गया पहले वाली पोजीशन से, सेंट्रल मास एक्स लेंथ आगे चला गया, मतलब वेट अभी इसके क्लोज आ गया। किसके क्लोज आ गया? इस वाले नॉर्मली क्लोज आ गया, मतलब अब N2 की वैल्यू ज्यादा होगी N1 से। पहले बराबर था, अभी खिसक गया है, N2 वैल्यू ज्यादा हो जाएगी N1 से, चल मानते हैं ज्यादा होगी। तो उससे होगा क्या? अब फ्रिक्शन को बहुत केयरफुली देखो तो समझ में आएगा क्या हो रहा होगा। यहां देखिए जरा, ये व्हील ऐसे ऐसे घूम रही है इस तरह से, तो व्हील पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो इस रॉड पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, यहां पे फ्रिक्शन लगेगा आगे। नहीं समझ में आया? व्हील अगर ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, इसका टॉप पॉइंट आगे जा रहा होगा तो व्हील पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इसके ऊपर जो प्लैंक रखा होगा उस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, समझा? ये अब ये व्हील ऐसे ऐसे घूम रही है तो व्हील आगे जा रही है, तो व्हील पे फ्रिक्शन पीछे, तो प्लैंक पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? प्लैंक पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस साइड लगेगा, वो होगा F2। ठीक है, वो क्या होगा? F2 होगा। शुरू में जब नॉर्मल रिएक्शन बराबर थे, जब नॉर्मल रिएक्शन बराबर थे तो F1 F2 बराबर था, जब नॉर्मल बराबर था तो F1 F2 बराबर थे, ये इक्विलिब्रियम में था। जैसे तुमने x शिफ्ट किया, x शिफ्ट किया तो नॉर्मल बढ़ गया, नॉर्मल बढ़ गया तो फ्रिक्शन बढ़ गया, फ्रिक्शन डोमिनेट ये वाला करेगा इस वाले से, इसका मतलब फ्रिक्शन 2 बड़ा होगा फ्रिक्शन 1 से। तुमने इसको आगे की तरफ धक्का दिया, फ्रिक्शन 2 डोमिनेट कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन कहेगा रॉड से चलो पीछे, चलो रॉड को पीछे ले जाएगा। तो जैसे आप इसको आगे ले जाओ पीछे जाएगा, जैसे ही यहां से जाएगा और ये इस तरफ शूट कर जाएगा इनर्शिया की वजह से, तो ये इधर जाएगा तो ये F1 डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि अब नॉर्मल ये बढ़ा जाएगा, जब F1 बढ़ा जाएगा तो इसको कहेगा पीछे जाओ, आगे पीछे लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा। इसी में एक डाउट है सर, फ्रिक्शन है तो एसएचएम कैसे होगा? देखो, इस फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं होगा, इस फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं होगा तो एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो आप कहोगे आप फ्रिक्शन का वर्क क्यों नहीं होगा, रॉड तो आगे पीछे आ ही जा ही रही है, तो रॉड का तो डिस्प्लेसमेंट हो ही रहा है। देखो, वर्क का डेफिनेशन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यहां पर देखा जाए रॉड और ये प्लैंक, प्लैंक और ये जो व्हील का पॉइंट रखा है, इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, स्लिपिंग नहीं है, ठीक है, इसी के ऊपर चल रहे हैं, स्लिप नहीं कर रहे, स्लिप नहीं कर रहे मतलब इनके इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो कोई वर्क नहीं हुआ इसके रिस्पेक्ट में, इसीलिए फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं होगा यहां पर इसके रिस्पेक्ट में, तो कोई लॉस नहीं होगा, तो ये एसएचएम करेगा। एसएचएम करेगा, समझ में आया क्यों करेगा? क्योंकि नॉर्मल बार बार चेंज होगा, नॉर्मल के चेंज होने की वजह से बार बार ऑसिलेट करेगा। क्लियर है?
समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल के चेंज होने की वजह से ये ऑसिलेट करेगा, नॉर्मल चेंज होगा तो फ्रिक्शन चेंज होगा, फ्रिक्शन चेंज होगा तो ये रिस्टोर करेगा, फिर ये ऑसिलेट करेगा। आइए कैलकुलेशन करते हैं। फिर हम फिर से मैंने ये देखो फोटो यहाँ दिखाई है, फोटो में क्या दिखाया है, मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ रहता था, हमने इसको आगे खिसका दिया, तो अब ये नई सेंटर ऑफ मास की पोजिशन है एक्स लेंथ, ठीक है, एक्स लेंथ हमने इसको खिसका दिया, पूरा सेपरेशन एल था, ये बीच में एल बाई टू था, तो ये इतना लेंथ जो हो जाएगा वो क्या जाएगा, एल बाई टू माइनस एक्स, और ये वाला जो लेंथ हो जाएगा, ये वाला जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा एल बाई टू प्लस एक्स, ठीक है। यहां पे लगेगा नॉर्मल एन टू, यहां पे लगेगा नॉर्मल। तो एक काम करते हैं, एक बार इस पॉइंट के अबाउट पार्ट ले लेते हैं, वन के अबाउट, वन के अबाउट ले लेंगे तो एन वन आ जाएगा, तो एन वन की वैल्यू क्या आएगी, एन वन टाइम्स ऑफ एल, और वेट का टॉर्क क्या हो जाएगा, माइनस एम जी, वेट का टॉर्क हो जाएगा एल बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो एन वन आ जाएगा हमारा कितना, एम जी एल बाई टू माइनस एक्स डिवाइड बाई एल। आप बताए एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू एम जी होगा, तो एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू एम जी होगा, तो यहां से हम एन टू निकाल सकते हैं, एन टू की वैल्यू हो जाएगी एम जी एल बाई टू प्लस एक्स डिवाइड बाई एल। चाहो तो आप क्या कर सकते थे, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिया तो एन वन आया, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिया तो एन टू आ जाएगा, ये आ गया। फ्रिक्शन की वैल्यू एफ वन और एफ टू की वैल्यू, एफ वन की वैल्यू आएगी म्यू टाइम्स ऑफ एन वन, एफ टू की वैल्यू आएगी यहां पर म्यू टाइम्स ऑफ एन टू। फ्रिक्शन हमने अभी बताया था किधर किधर लगेगा, आपको पता भी चल गया था फ्रिक्शन किधर किधर लगेगा, इस वाले पर इधर की तरफ, ठीक है, दूसरा कलर ले लेता हूं पर मजा नहीं आ रहा ना, तो इधर, इस पर इधर, इस पर इधर लगेगा। अभी जब इसको आगे खींचते हैं, ये टू वाला फ्रिक्शन है, ये वन वाला फ्रिक्शन है, रिस्टोर करेगा देखा जाए तो, जब रिस्टोर करेगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, अब हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एफ टू माइनस एफ वन, तो एफ टू माइनस एफ वन लिखेंगे क्या जाएगा, एफ टू माइनस एफ वन इज इक्वल टू एम ए, यही तो रिस्टोर कर रहा है। एफ टू की वैल्यू क्या लिखा जाएगा, म्यू, एफ टू लिखा जाएगा म्यू, ठीक है, और ये क्या आएगा एम जी एल बाई टू प्लस एक्स बाई एल, तो इसको मैं अभी लिख देता हूँ एन टू माइनस एन वन, जगह कम है तो फालतू में मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन की तरफ ले जाऊंगा। एन टू माइनस एन वन की वैल्यू कितनी होगी, ये है हमारा एन वन, ये है हमारा एन टू, एन टू माइनस एन वन का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा एम म्यू टाइम्स ऑफ टू टाइम्स ऑफ एम जी एक्स बाई एल करके देखो इज इक्वल टू माइनस एम ए। सो ए की जो वैल्यू आ गई देखो कितना आ गया, टू म्यू जी बाई एक्स माइनस का, यह सिस्टम की कंडीशन है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, टी इज इक्वल टू हो जाएगा टू पाई रूट ओवर एल बाई टू म्यू जी, किताबों में टू अंदर भेज दिया तो टू एल बाई म्यू जी है, टेंशन मत लेना, बुक्स में ये टू अंदर भेज दिया तो टू एल बाई म्यू जी हो जाएगा, ये इतना टाइम पीरियड आ जाएगा, बताओ क्या दिक्कत था। आंसर बिल्कुल बुद्धि भर का, लेकिन मैकेनिज्म बहुत अच्छी है ना। तो आप इस क्वेश्चन को देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, और अपने दोस्तों के जितने भी ग्रुप हैं सब में इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर दो, इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर दो फटाफट, और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।